बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यास्मीन और आप देख रहे हैं डेली खाना पकाना। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूं वो है बाजरे की रोटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने बाजरे की रोटी का आटा तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो ये एक बाउल जो है ये मैंने बाजरे का आटा लिया है और ये मैंने हसबे ज़रूरत आयल लिया है, हसबे ज़रूरत नमक, हसबे ज़रूरत पानी। तो आइए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आटा डालूंगी और नमक, और अब हम आटा गूंदना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये आटा थोड़ा सा लेसदार हो जाएगा तो फिर ये अच्छी तरह से गूंद जाएगा। बच्चे, छोटे बड़े सब लोग ये रोटी जो है ये शौक से खाते हैं, खास तौर पे गाँव में। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। इसकी रोटी जो है ये चाय के साथ भी खाई जा सकती है, दही के साथ भी खाई जा सकती है। तो अब हम इसके दो हिस्से कर लेंगे आटे के इस तरह से। मैं ये बाजरे की रोटी हाथ से ही बनाती हूँ और आपको भी ये सिखाऊंगी कि हाथ से रोटी कैसे बनाई जाती है। तो ये हमारी रोटी जो है ये बन चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आटे का छिड़काव करूंगी बाजरे के आटे का और इसमें ऐसे ये रोटी रख दूंगी। दूसरी रोटी जो है वो हम इसके अंदर रखेंगे। अब हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। गरम कर लिया है तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा आयल लगा लेंगे इसको।
स्टार्ट बता देंगे। थोड़ा सा पानी का हाथ लगाएंगे, हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी रोटी जो है ये थोड़ी सी मोटी बनाए तो ये ज्यादा अच्छी बनती है, इसीलिए मैंने इसे मोटा भी रहने दिया है, बहुत बारीक नहीं थी। दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा लेते हैं। साथ साथ घुमाते जाएंगे। कोई गंदम का आटा आपने देखा, जैसे कि कोई गंदम का आटा हमने शामिल नहीं किया, ये खालिस बाजरे के आटे की रोटी है। व्यूअर्स आप देखें, हमारी जो बाजरे की रोटियां हैं ये माशाल्लाह दोनों अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाने से पहले हम इस तरह से इस पे निशान बना लेंगे।
तरफ भी मक्खन इन पर आसानी से ठहर जाएगा। तो अब हम इन पे मक्खन लगा देते हैं। व्यूवर्स, हमारी जो है बाजरे की रोटियां ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।